नमस्कार, आई एम डॉक्टर दत्ता, आई एम द डायरेक्टर कार्डियोलॉजी सर्विसेज ऑफ वेंकटेश्वर हॉस्पिटल इन द्वारका। आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर हम में से लोग जिस जीवन शैली को हमने अपनाया है उसको हम कह सकते हैं कि एक अर्बन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और इस तहत हम लोगों की जो शारीरिक हरकत कम हो गई है, हमारी जो डाइट है वो धीरे धीरे उसमें तली हुई चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल और हैवी ऑन कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड शुगर्स, इससे हमारी शरीर में जीवन शैली से जुड़ी हुई लाइफस्टाइल डिपेंडेंट डिजीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़त हो रही है। और हमारी देश अब पूरे पृथ्वी की डायबिटीज कैपिटल मानी जाती है। हमारी देश में प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ का बहुत ज़्यादा दबदबा है और बहुत कम उम्र में लोग इन बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, और कभी कभी इसका बहुत भयंकर रूप आकस्मिक मौत तक हमें देखने को मिलती है। इसीलिए इससे हमें बचने के लिए ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे कॉरपोरेट बॉडीज़ और सरकारी संस्थाएं, फ्लाइंग जो ऑक्यूपेशन में होते हैं, जो देश के डिफेंस में होते हैं, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में होते हैं, वो इन स्क्रीनिंग टेस्ट का नियमित इस्तेमाल करके अपने आप को हेल्दी रखते हैं। तो इन जांचों का हमें सही उपयोग करना चाहिए, और इन स्क्रीनिंग टेस्टों के माध्यम से हम अपनी बीमारियों का जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं और उनकी इलाज कर सकते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं। ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें एक्सरसाइज लेना है, कितना एक्सरसाइज हमें लेना है, कौन सी डाइट लेनी है, किन चीज़ों को कितनी मात्रा में लेनी है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट और जो प्रोटोकॉल्स बनी हुई हैं उनमें हमारे अस्पताल में भी हमने इसको बहुत प्राथमिकता दी है, क्योंकि इसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कहते हैं। हम एक इंसान को बीमारी से बचाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।